घरेलू महिलाएं नहीं रहती अपनी सेहत के प्रति सजग, नीति तलवार महिला दिवस को समर्पित लगाया फ्री मेडिकल कैंप। घरेलू महिलाएं घर के कामकाज में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि वे अपने सेहत के प्रति सजग नहीं रहती, जिससे छोटी छोटी बीमारियां बाद में बड़ा रूप ले लेती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज घरेलू महिलाओं के लिए विशेष मेडिकल कैंप के साथ साथ उनकी काउंसलिंग करने का कार्य नारायण नगर सेवा समिति ने किया है, जिसके लिए महिलाएं समिति की आभारी हैं। उपरोक्त शब्द पूर्ण प्रश्न नीति तलवार ने मेडिकल कैंप के आयोजन पर संबोधित करते हुए कहे। नीति तलवार ने कहा कि नारायण नगर की सेवा समिति समाज के हर वर्ग के लिए कार्य करती है, पर खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्य किए जाते हैं। उन्होंने कहा, ये काम धारणा है कि अगर घर की महिलाएं हैं बच्चे स्वस्थ व शिक्षित होंगे तो समाज अपने आप स्वस्थ व शिक्षित हो जाएगा। इस मौके दिव्या ज्योति संस्था की बहनों ने कैंप में भाग लेने वाली महिलाओं को धर्म व मेडिटेशन की शिक्षा भी प्रदान की। कैंप में भाग लेने वाली महिलाओं ने डॉक्टर राधिमा से रोजाना जीवन को कैसे स्वस्थ बनाया जाए इस बारे में खुल के विचार किया। कैंप में श्रीमती उषा किरण सूद, प्रिया सैनी, मुस्कान पाराशन, सोनिया तलवार, श्रीमती सीमा चौहान, कृष्ण थापर एवं नारायण नगर सेवा समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। जिस तरह की पिछे हुण 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस गया, तो उस उपलक्ष्य के ही महिलावां दे विच वधदी हुई जिहड़ियां प्रॉब्लम्स हैगियां उन्हां नूं मद्देनज़र रखते हुए अज मैडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिहदे विच महिलावां नूं दा चैकअप किया जाएगा ते उन्हां नूं रूटीन दे विच उन्हां नूं कंसल्टेशन भी की जाएगी कि किस तरह वो अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करके अगे अपनी लाइफ नूं चेंज कर सकते हैं। इस दे विच डॉक्टर्स बुलाए गए हैं तो मैं इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ कि साडे लेडीज़ नूं इह बड़ी अच्छी सलाह भी दे रहे हैं। थैंक यू। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो इस महिला दिवस के उपलक्ष्य में जिस प्रकार से नीति तलवार मैडम इन्होंने महिलाओं के लिए इस स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो जैसे कहा गया है कि पहला धन जो है वो निरोगी काया होता है। जीवन के अंदर अगर हम निरोगी हैं तभी हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। और यह शरीर जो कि वात पित्त कफ का बना हुआ है, इसमें कोई ना कोई व्याधि उत्पन्न होती रहती है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो उसकी जो परिभाषा है हेल्थ को लेकर, तो उन्होंने कहा है अ पर्सन कैन बी सेड टू बी ऑफ गुड हेल्थ इफ़ ही इज़ कम्प्लीट इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। एक इंसान पूरी तरह से फिट तभी कहलाता है अगर वो शरीर के साथ साथ मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से भी स्वस्थ हो। शारीरिक रूप से स्वस्थ, जैसे कोई ना कोई व्याधि उत्पन्न होती है तो हम चेकअप करवाते हैं और दवाइयों के माध्यम से, चाहे वो आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी, जो भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं। तो ऐसे ही मानसिक व्याधियाँ भी होती हैं, जिसे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार कहा गया है। तो इसका सलूशन अध्यात्म है और अध्यात्म के शरण में आने से जो है हम पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मेरे कुछ विचार हैं। बोलिए, श्रीपति रामचंद्र महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।